हाय दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि इन ए टैंक वी हैव स्टोर अमोनिया गैस इन द लिक्विड फॉर्म एट 7 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड टैंक लेवल इज 45%। देन वी हैव कैलकुलेट हाउ मच टोटल अमोनिया स्टोर इन द टैंक इफ टैंक वॉल्यूम इज 100 m³ एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया इज 0.6826 g/cc। तो दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टैंक वॉल्यूम हमको पता है कि 100 m³ दिया है। तो दोस्तों, हमको दिया है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया जो कि है 0.6826 g/cc। तो दोस्तों, जब हम ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो हमारा आ जाएगा 682.6 kg/m³। तो डेंसिटी के जगह पे हम मास पर मास बाई वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे मास को कैलकुलेट करना है। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हमको वॉल्यूम पता है तो हमारा आ जाएगा 682.6 kg/m³ × वॉल्यूम। अब दोस्तों, जो यहाँ पे वॉल्यूम है वह केवल लिक्विड का वॉल्यूम है और हमको पता है कि जो टैंक का टोटल वॉल्यूम है वो 100 m³ है, लेकिन उसमें लिक्विड केवल 45% है। तो हमारा यहाँ पे जो हम वॉल्यूम लेंगे वह आएगा 45। तो इस प्रकार हम जब मास निकालेंगे तो आएगा 682.6 × 45। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लिक्विड अमोनिया मास, मतलब जो अमोनिया जो कि लिक्विड के फॉर्म में है उसका टोटल मास आ जाएगा 30,717 kg। अब दोस्तों, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना अमोनिया गैस के फॉर्म में है। तो मास ऑफ गैस अमोनिया को हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि PV बराबर NRT होता है। तो यहाँ से हम N बाई V के जगह पे हम डेंसिटी लिख सकते हैं और प्रेशर हमारा दिया है 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पास्कल में चेंज करेंगे। तो जब पास्कल में चेंज करेंगे तो 7 × 101325 पास्कल आएगा। उसके बाद दोस्तों, हमको आर की वैल्यू पता है। आर की जो वैल्यू होती है 8.3144 m³/k/mol। और दोस्तों, हमारा जो टेम्परेचर है वह है 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हमको केल्विन में चेंज करेंगे। तो जब केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 300 केल्विन। उसके बाद दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 284.35 mol/m³। यानी कि जो डेंसिटी आया है यह हमारा मोलल डेंसिटी है। तो मोलल डेंसिटी को हम मास डेंसिटी में चेंज करने के लिए मॉलिकुलर वेट से गुणा करेंगे। तो अमोनिया का जो मॉलिकुलर वेट है वह है 17। तो जब 17 से हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 4834.05 g/m³। क्यों, ये हमारा आ गया डेंसिटी। इसको जब हम केजी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4.834
पर मीटर क्यूब एट 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह जो हमारा डेंसिटी आया है यह 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। अब दोस्तों हमारा निकल गया डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह पे हम मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं और हमको डेंसिटी पता है, तो यहाँ से हम मास जब निकालेंगे तो मास निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू हमारा दिया है 4.834 kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम। तो दोस्तों गैस का जो वॉल्यूम है वह है 55, क्योंकि जो हमारा टैंक का जो टोटल वॉल्यूम है वह है 100, 100 में से 45 मीटर क्यूब जो है वह लिक्विड है, तो हमारा जो गैस का जो वॉल्यूम है वह है 55 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार जब हम गैस का मास है जो कि अमोनिया है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 265.67 kg। तो दोस्तों अब जब हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल मास लिक्विड मास प्लस गैस मास, तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30,982.67 kg। तो जब इसको हम kg और इसको हम टन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 30.9 टन आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।